रिपोर्टर नितेश श्रीवास्तव द्वारा की गई रिपोर्ट। नगर पंचायत प्रशासन के पास बजट का कोरोना, कहा मिलने पर ही होगा काम। मानसून से पहले ही खुले मैनहोल हादसे को दावत देने के लिए तैयार हैं। जिले के मुख्यालय वाले शहर ज्ञानपुर में कहीं टूटे मैनहोल तो कहीं टूटी नालियां बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, इसको लेकर रहवासी चिंतित हैं। वहीं नगर पंचायत प्रशासन को बजट का रोना है, कहना है कि जब तक बजट नहीं आता तब तक काम हो पाना मुश्किल है। मौसम विभाग ने 20 जून तक मानसून आने की उम्मीद जताई है, उससे पहले प्री मानसून बारिश भी हो सकती है। ऐसे में जब बारिश होगी तो लोगों को परेशानी बढ़ सकती है, नालियों में पानी भर जाएगा और सड़कें और नालियां एक हो जाएंगी, खुले मैनहोल मुसीबत बढ़ाएंगे, पैदल और वाहन से चलने वाले उसमें गिरकर घायल हो सकते हैं। यहां कई स्थानों पर मैनहोल खुला है जहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों का आगमन होता है। वार्ड नंबर 1 में मैनहोल टूटा है, वहीं वार्ड 6 में कई जगह पर नाली जाम है, उसमें गंदगी का अंबार लगा है। वार्ड नंबर 9 में गेस्ट हाउस के बगल से जाने वाला रास्ते पर मैनहोल टूटे फूटे ढक्कन के कारण बदहाल अवस्था में है, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। वही वार्ड नंबर 5 में यादव नगर में बीते कई माह मैनहोल बदहाल अवस्था में पड़ा है, कई बार वार्ड के सभासद को इसके बारे में अवगत कराया गया लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अगर कहीं पर घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो पट्टियां लगी है ढकने के लिए, कुछ जगह हमें भी शिकायतें प्राप्त हुई है जो टूट गई है, तो उनको नई पट्टियां वहां लगाने के लिए अपने सुपरवाइजर और संबंधित पटल के बाबू को निर्देशित किया गया है। वो आज और कल 2 दिन में जहाँ जहाँ भी पट्टियाँ टूटी हुई हैं उनको बदल दिया जाएगा। और नालियों की सफाई वर्तमान में चल रही है, कुछ जगह जहाँ नालियाँ चोक हो गई हैं गंदगी की वजह से वहाँ तत्काल करा दिया जा रहा है। बाकी एक तरफ से हमारी सफाई चल रही है, धीरे धीरे हम हर वार्ड को कवर कर लेंगे। मानसून के आने के पहले ही हमारे सभी नाले और नालियाँ साफ हो जाएंगी और जहाँ जहाँ भी पट्टियाँ नहीं हैं टूटी हुई उनको लगवा दिया जाएगा, जिससे किसी को समस्या सामने न आए। खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसे को दावत, सुरक्षा के इंतजाम नहीं। विद्युत निगम की मनमानी और लापरवाही का उदाहरण देखना हो तो शहर के किसी भी क्षेत्र में रखे ट्रांसफार्मर को देख लीजिए। ट्रांसफार्मर मानकों को दरकिनार कर खुले में रख गए हैं, इससे हादसे की आशंका बराबर बनी रहती है। शिकायत के बाद भी विद्युत निगम के अधिकारी इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए हर साल भारी भरकम बजट खर्च होता है लेकिन जर्जर तार खंभों से लेकर ट्रांसफार्मर के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इससे अक्सर घटनाएं होती रहती है। बता दें कि पूर्व में घटित कई घटनाओं के बाद भी विभागीय अधिकारी चेत नहीं रहे हैं। मानसून आने में अब कुछ दिन बचे हैं और बारिश के दौरान करंट का खतरा और बढ़ जाता है। नगर के अलग अलग स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं है। जिला पंचायत भवन के सामने, ज्ञानपुर पुरानी बाजार और भारतीय स्टेट बैंक के सामने ट्रांसफार्मर खुले में ही रखे हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों का आगमन होता है, इसी मार्ग से रोजाना डीएम एसपी सहित वीवीआईपी का आना जाना लगा रहे हैं। जगह पे जो है खुले में ट्रांसफार्मर रखे गए हैं तो उसमें जगहों का जो है प्राकलन बना करके उचित कार्य को प्रेषित किया गया है। कार की स्वीकृति होते ही ऐसे स्थानों पर जो है बैरिकेडिंग इत्यादि का कार्य कराया जाएगा, जिससे जो है किसी जनमानस के लिए या पशु के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो सके। विगत सप्ताह तो जो है जहाँ जहाँ खुले तार थे उसमें जो है बैरिकेडिंग कराया गया है जहाँ तक संभव हो सकता है। बाकी जो आप बता रहे हैं उसको मैं फिर से एक बार दिखा लेता हूँ। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।